आज जो चुनाव हो रहा है उसमें मुझे कुछ अच्छी बात ये दिख रही है कि शायद पिछले चरण से ज़्यादा मतदान हो। लोकतंत्र मतदाताओं का उत्सव है और ये बहुत अच्छी बात है कि मतदान हो, मतदान ज़्यादा से ज़्यादा हो। जीते भले ही कोई, हारे भले ही कोई, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों का उत्साह मुझे ये भरोसा दिलाता है कि भारतीय लोकतंत्र में लोगों की रुचि कायम है, और ये रुचि कायम होना इस समय यह बहुत ज़रूरी इंडिकेटर इसलिए है, बल्कि मैं इसे इंडिकेटर नहीं बल्कि आवश्यक आवश्यकता मानता हूँ, क्योंकि मैं लगातार महसूस कर रहा हूँ कि हमारे नेताओं की जिस तरीके की बयानबाजी है वो अक्सर उनको उनकी जिम्मेदारी से अलग हटा देती है, उनसे ज़्यादा जिम्मेदारी की उम्मीद की जाती है। फिर ये एक नौजवान देश है, अगर नौजवान राजनीति से अपने को विमुख कर लेंगे तो एक बहुत बड़ी दिक्कत ये पैदा होगी कि फिर हम कुछ ऐसे लोगों के लिए रास्ता साफ कर देंगे जिन्हें राजनीति में हम नहीं देखना चाहते। तो अगर इस नौजवान देश में जहाँ 65% लोग 35 साल से नीचे के हैं वोट दे रहे हैं, देते जा रहे हैं, अभी तक जो गुजरात से खबरें आ रही हैं बड़ी उत्साहजनक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छा वोट परसेंटेज होगा। और 18 तारीख को जब ईवीएम मशीनों से वो जादुई जिन्न निकलेगा जिसको कि परिणाम कहते हैं, तो वो लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप होगा। मैं जो लोग ये देख रहे हैं और जो गुजरात में रहते हैं उनको शुभकामना देना चाहता हूं, और मेरी अपील का कोई मतलब नहीं है, मैं उनसे अनुनय करना चाहता हूं कि वे ज़रूर 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 वोट डालें अगर उन्होंने अब तक नहीं डाला है। ये छुट्टी नहीं है, ये एक बड़ी जिम्मेदारी का अहम पर्व है।